दोस्तों इतना सब कुछ यूज करने के बाद अब SPDSX में सिस्टम सेटअप और यूटिलिटी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके SPDSX के साउंड क्वालिटी पूरा डिपेंड करता है आपके सिस्टम और सेटअप पे। दोस्तों सिस्टम में इन करने के बाद देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों आप जैसे ही सिस्टम में इन करेंगे आपको सबसे पहले दिखेगा मास्टर इफेक्ट। पिछले वीडियो में कई बार जिक्र किया था कि मास्टर इफेक्ट आपके ये दोनों कंट्रोल पर डिपेंड करता है और ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। यदि आप डीजे प्लेयर हैं तो डीजे कंसोल जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मास्टर इफेक्ट भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे आपको दिख जाएगा कि आपके कौन से स्विच पे कौन सा इफेक्ट असाइन किया हुआ है। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्विक बटन दबाना है, मास्टर इफेक्ट एडिट में आना है, एडिट कर में आकर के आप साउंड इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद आपके जो SPDSX में क्लिक का साउंड है, क्लिक का साउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। ये क्लिक का साउंड में इंटर करेंगे आपको यहां पे दिख रहा है साउंड ग्रुप। साउंड ग्रुप आप प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रीसेट में जो SPDSX की जो कंपनी ने डाल के रखा है वो साउंड तो आप यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा आपके जो इंटरनल कस्टमाइज साउंड है आप वो भी क्लिक में यूज कर सकते हैं। अभी देखिए जो कस्टमाइज साउंड है क्लैप का साउंड, ये क्लिक के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई भी साउंड, किक, स्नेयर, सिंबल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको इंटरवल कितने टाइम का देना, आप इंटरवल भी यहां साइन कर सकते हैं। साउंड को पैन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यदि चाहें तो इसका आउटपुट भी राउट कर सकते हैं। आउटपुट आपको मास्टर में चाहिए या सब आउट में चाहिए या केवल हेडफोन में चाहिए, ये क्लिक का आप साउंड आउटपुट असाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो इन और आउट, ऑडियो इन और आउट में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल चार यहाँ पे कंटेंट दिख रहे हैं। सबसे पहला है ऑडियो इन वॉल्यूम, USB इन वॉल्यूम, सब आउट वॉल्यूम, सिस्टम गेन। दोस्तों ऑडियो इन वॉल्यूम कहने का मतलब आप जो SPDSX में सिग्नल दे रहे हैं, जो आप ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं वो कितना परसेंट आपको अंदर लेना है, कितना परसेंट आपको साउंड इंसर्ट करना है, वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यदि SPDSX में USB केबल के थ्रू यदि आप सिग्नल दे रहे हैं तो आप उसका भी सिग्नल यहां असाइन कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट साउंड इंसर्ट करना है। इसके अलावा आपके जो सब आउटपुट है, मास्टर आउटपुट, मैं पिछली बार ही बताया था कि आपके SPDSX में तीन आउटपुट है, मास्टर आउटपुट, सब आउटपुट और हेडफोन आउटपुट। इसके अलावा आप जो सब आउटपुट है आप उसका भी वॉल्यूम यहां से डिसाइड कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपके SPDSX में सिस्टम गेन कैपेसिटी दी गई है। सिस्टम गेन कहने का मतलब यदि आपको इमीडिएट जरूरत पड़े तो आप अपने SPDSX के साउंड को दो गुना नहीं तीन गुना बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए 0, 6 dB, 12 dB, 0 dB, 6 dB और 12 dB, आप यहां साउंड को बोल्ड कर सकते हैं, साउंड लाउड कर सकते हैं, आउटपुट गेन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इक्वलाइजर, दोस्तों आप यदि चाहें तो अपने सैंपलर को कंप्लीटली इक्वलाइज कर सकते हैं। इसका लो गेन बढ़ा सकते हैं, हाई गेन बढ़ा सकते हैं, मीड गेन भी बढ़ा सकते हैं, मतलब लो गेन, मीड गेन, हाई गेन, आप तीनों एक साथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब ये आपका SPDSX फुल्ली कस्टमाइज है, आप इसको जैसा चाहें वैसा ही एडिट करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपके SPD20 में, SPD30 में या और भी SPD सीरीज में कीट चेन था, दोस्तों आपके SPDSX में भी कीट चेन दिया हुआ, आप कीट चेन का मजा ले सकते हैं, आप पूरे सॉन्ग में कीट चेन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और सिस्टम के बाद सेटअप, दोस्तों सेटअप की जानकारी भी जरूरी है ताकि आपका SPDSX हर मामले में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। दोस्तों सेटअप में इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है LCD LED। दोस्तों आपका जो डिस्प्ले है आप डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस ये दोनों चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ये पैड में जो साउंड जल रहे हैं आपने देखा होगा, साउंड के साथ ये जो लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है
आप इसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये पैड डायनेमिक्स के थ्रू, पैड इंडिकेट डायनेमिक्स के थ्रू। उसके बाद ये जो लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका यहाँ पे स्विच दिया हुआ टेम्पो इंडिकेट ऑन और ऑफ, यदि ऑफ कर देंगे तो ये लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ हो गया, यदि ऑन करेंगे तो ये लाइट जलने लगेगी। उसके बाद डिस्प्ले मोड, आप जब नॉर्मल मोड में होते हैं तो डिस्प्ले में आपको क्या दिखाना है, लेवल दिखाना है, या फिर आपने जो सब्स्टिट्यूट नाम यूज किया, नेम यूज किया, वो नेम दिखाना है। जनरली लेवल रखेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा होगी कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद अब पैड सेंस, दोस्तों आप ये जो पैड यूज कर रहे हैं, पैड में सेंस कितना रखना है, थ्रेशोल्ड कितना रखना है, वेलोसिटी कर्व कितना रखना है, आप सब यहां से आकर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिगर ईयर, दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि SPDSX में टोटल 2x2 ट्रिगर आउटपुट है, आप इसमें टोटल 4 ट्रिगर इनपुट कर सकते हैं, और वो 4 आप अलग अलग भी कर सकते हैं या 2 लगा के रेम और हेड में डिसाइड कर सकते हैं, वो यहां फुल्ली कस्टमाइज है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद फुट स्विच, दोस्तों मैं पिछली बार बताया था कि आपके SPDSX में फुट स्विच के सिस्टम दिए हुए हैं, आप फुट स्विच में कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद मिडी, दोस्तों मैं पिछले वीडियो में शेयर किया था कि यदि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है तो ये सारे पैरामीटर आपको फॉलो करने होंगे। दोस्तों आपके SPDSX में पैड लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ऑटो ऑफ भी दिया हुआ है। ऑटो ऑफ में यदि आपने 4 आवर्स लगा के रखा तो आपका पैड यदि आपने 4 घंटे तक टच नहीं किया तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन दिया हुआ USB मोड, दोस्तों आपके जो पैड में USB कनेक्टिविटी दी गई है उसमें 2 तरह के मोड हैं, वेब मैनेजर या ऑडियो मीडी। दोस्तों यदि आप वेब मैनेजर यूज करते हैं तो आपका SPDSX जब भी कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे इमीडिएट वेब मैनेजर के साथ सिंक हो जाएगा। और यदि आप ऑडियो मीडी यूज कर रहे हैं, दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया था, आपके SPDSX में बिल्ट इन साउंड कार्ड लगे हुए हैं। आप यदि USB मोड को ऑडियो मीडी डिवाइस में रखेंगे, USB से कनेक्ट रखेंगे, तो आपके कंप्यूटर का डायरेक्ट साउंड आपके SPDSX होते हुए बाहर जाएगा। इस तरह से कीपैड, FX सिस्टम और सेटअप यूज करने के बाद यूटिलिटी आपके SPDSX का की पॉइंट है। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके SPDSX में कितने वेव हैं। एक्चुअल उसकी लिस्ट के आप यहां से पूरा साउंड चेक कर सकते हैं। वेव लिस्ट चेक करने के बाद अब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वेव इंपोर्ट। दोस्तों वेव इंपोर्ट करने का मतलब आप यदि चाहें तो आप अपने SPDSX में पेन ड्राइव के सहारे, पेन ड्राइव के थ्रू आप वेव डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पेन ड्राइव में यदि वेव है तो आप SPDSX में ले सकते हैं। अभी मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है, आप जब इंटर करेंगे तो आपके पेन ड्राइव में जितने भी लूप या साउंड रखे हुए हैं वो डिस्प्ले पे आपको शो करेगा, डिस्प्ले पे बारी बारी से देख सकते हैं। ये जो भी साउंड है हमारे पेन ड्राइव में है, मेरे पेन ड्राइव में है, वो पेन ड्राइव कनेक्ट करके मैं चेक कर रहा हूं कि साउंड क्या क्या है। अब यदि आपको ये साउंड इंपोर्ट करना है आप प्लस के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर बटन जब दबाएंगे तो आपका साउंड SPDSX में इंपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अब इसमें एक और है, लोड USB और सेव USB मेमोरी। दोस्तों लोड कहने का मतलब होता है आपके SPDSX में जो डाटा रखा हुआ है, जो भी डाटा आपने बना के रखा है, यदि लोड USB में आप जा रहे हैं तो आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा बना के रखा हुआ है वो SPDSX पे लोड होगा। और सेव, दोस्तों सेव USB मेमोरी कहने का मतलब आप SPDSX में जो भी डाटा बना के रखे हैं आपके पेन ड्राइव में वो सेव होगा। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोड और सेव में 2 तरह के अंतर हैं। लोड कहने का मतलब आपके पेन ड्राइव में जो भी डेटा है SPDSX में आएगा, और सेव कहने का मतलब आपके SPDSX में जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपके पेन ड्राइव में सेव होगा। और दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन इसमें है, इन्फॉर्मेशन। आपके SPDSX का सीरियल नंबर इसमें शो करता है, आपका SPDSX का सीरियल नंबर क्या है, वर्जन क्या है, कितना मिनट तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों अपनी ओर से मैंने SPDSX के बारे में मैं आपको जानकारी दी, और
यदि आप कुछ भी पूछना चाहें SPD-SX, SPD-30, SPD के अलावा TM2 से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ बेल बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, इससे हमारा वीडियो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।